नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। ये आपका अपना YouTube चैनल है जिस पर आपको पता है कि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, जो भी कोई ऐसे टॉपिक जिसमें आप डाउट महसूस करते हैं और भी बहुत सी जुड़ी हुई इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन सूचनाएं आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई सूचना के लिए, और ये स्पेशल जो सूचना है ये ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। यानी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पिछले दो दिन से मैं कमेंट पढ़ रहा था बच्चों के, और बच्चे कमेंट्स डाल रहे थे कि सर जो सिलेबस में चेंज हुआ है, जो सिलेबस में चेंज किया गया है, उस सिलेबस के चेंज को हमें कुछ बताइए कि क्या क्या चेंज हुआ है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो उसी बात को लेके, उसी पॉइंट को लेके आज मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आप सिलेबस को देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा तो इसमें चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, मैं तो कहता हूँ आपके लिए अच्छा हुआ है। ये बहुत ना केवल आपके लिए बल्कि यानी किसी टीचर के लिए, यानी मेरे लिए भी ये सहूलियत है कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं कम से कम हमें ये तो पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है। इस चीज़ से हमें रूबरू हो जाएंगे कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है और हमें क्या चीज़ पढ़नी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस नए सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो कुछ मोटे मोटे चेंज किए गए हैं, वो मैं आपके एक एक चेंज को आपके सामने रखूंगा और आपसे बात करूंगा कि हमें उस सिलेबस को किस एंगल से एनालाइज करना है, किस एंगल से पढ़ना है। याद रखिएगा, जब ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम जब से स्टार्ट हुए हैं, जब से ये मतलब रिटर्न पेपर वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 2010 से पहले इसमें एग्जाम नहीं होते थे, 2010 से पहले मेरिट बेस पे सिलेक्शन होते थे। 2010 यानी जो पहली बार जो एग्जाम 2011 में हुआ था, वहां से लेके अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो ठीक उसी सिलेबस पे हो रहे थे जो सिलेबस हमें प्रेस्क्राइब किया गया था। लेकिन अब जो सिलेबस आया है उसमें थोड़ा बदलाव किया है, और ये बिल्कुल अगर फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं तो वो भी मान के चले कि हो सकता है अब हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में भी होगा। तो आज हम जिस सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिलेबस आपका ग्रेड सेकंड का सिलेबस है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे इतने मेरे पास कमेंट करते हैं, इतने कमेंट करते हैं, सर ये बुक टफ है, ये पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, इस बुक में पढ़ूं या इस बुक में नहीं पढ़ूं, कौन सी बुक को मैं प्रीफर करूं। वो सब बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा वापस से। और आपके कमेंट बार बार आ रहा है, सर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए। आप सबको मैं पहले भी कह चुका हूं कि टाइम की कमी की वजह से मैं इस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन चूंकि अभी आपको पता है मैं सरकारी सेवा में, गवर्नमेंट जॉब में हूं, अभी छुट्टियां पड़ जाएंगी, 18 तारीख से छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो लगभग 23 मई को मैं आपके लिए ऐप लॉन्च करके उस पर लाइव क्लासेस आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप बस कुछ दिन का इंतजार और कीजिए, और बार बार ये कमेंट बॉक्स में इसकी सुनकर आप बंद कर दीजिए कि कब क्लासेस स्टार्ट होंगी। 23 मई के डेट को आप याद रखिए, 23 मई को आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर सेकंड इंग्लिश। मैं फर्स्ट पेपर को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, यहां हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड सेकंड के सेकंड पेपर को। फर्स्ट पेपर में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, तो जैसे आप उसको पढ़ रहे थे वैसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात मेरी तरफ से एडवाइस है ये, एंड हाउ कैन आई गिव यू सच एडवाइस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दीज स्टेजेस कि हमें तैयारी करनी कैसे है। तो आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको आप किसी भी हाल में पढ़ना मत भूलिएगा। पेपर फर्स्ट के लिए इकोनॉमिक सर्वे इज द मस्ट, उसको आपको हर हाल में पढ़ना है। बाकी जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे करते जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पेपर के सिलेबस के डिस्कशन को। अगर आप इसमें देखेंगे कुल मिला के, तो पहले जहां ये आपका सिलेबस था पार्ट वन, ये जो पार्ट वन है हमारा ग्रामर एंड यूसेज, ये जो पार्ट वन है ग्रामर एंड यूसेज, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले आज एक बात सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो भी बच्चा ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है, या जो भी बच्चा फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहा होगा, ही विल ऑल्सो अपियर इन ग्रेड सेकंड एग्जाम, ये तो डन है, पक्का है। तो जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस पेपर की आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो आप एक बात दिमाग में डाल लीजिए सबसे पहले कि ये जो पार्ट वन है, यानी पार्ट वन जिसको हम ग्रामर एंड यूसेज कह रहे हैं, ये पार्ट इतना टफ वाला पार्ट नहीं है आपके लिए।
और इससे ज्यादा ये मोस्टली ऐसा है कि लगभग हर बच्चा इस पार्ट में लगभग 19-20 का डिफरेंस रहेगा। और जो भी, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो एग्जाम की दौड़ में ही नहीं है, यानी जो तैयारी कर ही नहीं रहे, केवल तैयारी करने का अपने आप को विश्वास दिला रहे हैं कि साहब मैं तैयारी कर रहा हूं, तो ऐसे जो केवल तैयारी का विश्वास दिला रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है भी नहीं, क्योंकि यहां केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जो सीरियस बच्चे हैं, जो रियली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो रियली अपना टाइम दे रहे हैं तैयारी के लिए। आई एम टेलिंग द थिंग्स फॉर दोज स्टूडेंट्स, नॉट फॉर दोज हु आर जस्ट पासिंग देयर टाइम, बिकॉज नाउ दे आर पासिंग द टाइम, लेटर ऑन द टाइम विल पास देम, समय आने के बाद टाइम उनको पास कर जाएगा। इसलिए मेरा जो सजेशन है ये वो उन बच्चों के लिए है जो रियली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो रियली अपने आप में तैयारी कर रहे हैं। अगर इस पार्ट वन में आप गलतियां करेंगे तो याद रखना आप संभल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्ट जो आपका बी है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट वही है। अब आप ये मान के चलिएगा, पहले जहां लिटरेचर आपका, जहां केवल 3 टॉपिक थे, 7th 8th और 9th टॉपिक थे उस लिटरेचर वाले पार्ट में, अब वो 5th टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है ना, पोएट्री अप्रिशिएशन वहां से 5 से, तो 5, 6, 7, 8, 9 यानी आप समझिए 5 टॉपिक हो गए। और अगर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं मान लो, तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपका लिटरेचर का हो गया है। और ये लिटरेचर वाला जो सेगमेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, मैं ऑफलाइन क्लासेस के दौरान भी बच्चों से कहता हूं कि मैं कभी किसी टीचर के लिए कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, ना मेरी ऐसी आदत है, हर टीचर अपने पोटेंशियल से पढ़ाता है, बट शर्त यह है, कंडीशन यह है, कई कई बार हम केवल अपनी विद्वता को बताने के लिए कि हमें बहुत कुछ आता है, प्लेटफॉर्म से टीचर इतना ज्यादा चीजें पढ़ा दे जाते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो फिर हमें प्रिपेयर करने के लिए करना क्या है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उन्हीं को बेस बनाइएगा। देखिए, मैं हम आपको स्कॉलर नहीं बना रहे हैं, मैं आपको स्कॉलर नहीं बना रहा हूं कि मैं अंदर तक ले जाऊं, मैं आपको कहूं साहब एम एच अब्राहम की किताब को पूरी पढ़ डाली, आप पूरी रट डाली, क्यों भाई, पूरी का क्या करना है हमें, आपको ना तो अभी नेट का एग्जाम देना है, ना अभी आपको सेट का एग्जाम देना है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, आपको ग्रेड सेकंड का एग्जाम देना है। इसीलिए आपका बेस जो होता है, आपकी तैयारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो है, वो बेस आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वही आपका बेस है। तो उन्हीं को बेस मानते हुए उसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग क्वेश्चन जो है उसी से मिलते जुलते होते हैं, बस थोड़ा सा क्या होते हैं, थोड़ी लैंग्वेज में ट्विस्ट कर देते हैं, लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, तो यू आप क्या हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है कि इसमें मेरे को कंटेंट कम है, थोड़ा ये देख लेता हूं, थोड़ा ये देख लेता हूं, और इस सोशल मीडिया पे पूरे दिन टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने ये सब परीक्षाएं जो पास की हैं उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और मैं जो आपको सिलेबस यहां पे अवेलेबल करवाऊंगा या जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाऊंगा वो भी इसी बेस पे होंगी कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। मैं इस आधार पे आपको सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको स्कॉलर बनना है, बस मेरा उद्देश्य यही है कि एनी हाउ, देखिए लास्ट में हमारा टारगेट यही है कि एनी हाउ वी हैव टू गेट सिलेक्शन, एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्शन देन यू हैव टू मेक स्मार्ट स्टडी एंड प्रॉपर स्टडी। स्मार्ट और प्रॉपर स्टडी करेंगे आप, देन यू विल गेट द चांस ऑफ सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब, तभी आपको उसका चांस मिलेगा। अदरवाइज आप इतना पढ़ डालेंगे, इतना पढ़ डालेंगे, आपको खुद को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ चुके हैं। सो फॉर आई एम गिविंग दिस एडवाइस, और यू कैन टेक इट एज अ वार्निंग, ये आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आपको जब स्टडी करनी है तो मेक द बेसिस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेस बनाइए और उसी के आधार पे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सिलेबस को। तो अगर आप पार्ट वन में देखेंगे ग्रामर वाले इस पार्ट में, तो यहां कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, लगभग लगभग वो ही पार्ट है, बस थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का चेंजेस किया गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इस सिलेबस में कुछ सहूलियत हो गई है आपके लिए, यानी यहां जैसे खासकर लिटरेचर में, नॉट इन ग्रामर, इन लिटरेचर नाउ यू हैव सम रिलैक्सेशन। वो कैसे, क्योंकि पहले अगर मान लो आप कुछ पढ़ रहे थे, जैसे मान लो हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम क्या कहते हैं कि इसको छोड़ देना, इसको मुल्क राज आनंद को पढ़ लेना, आर के नारायण पढ़ लेना, राजा राव पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, अब आपको वो एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको वो ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेंशन दैट विच राइटर यू हैव टू रीड, और जब उसने दे दिया है तो नो डाउट द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड ओनली
ऑन द कंटेंट विच हैव बीन प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है उसी आधार पे आपको तैयारी करनी है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो उसने दिया है फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर जो भी आपके फॉर्म्स, तो आपको उसी के आधार पे डिसाइड करना है। जैसे मैं पहले वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि फॉर्म अलग चीज होती है, टर्म अलग होती है, फिगर ऑफ स्पीच अलग होती है, तो हम कंफ्यूज थे कि वो फॉर्म के क्वेश्चन पूछेगा सर या फिर फिगर ऑफ स्पीच पे पूछेगा। अब आपको उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसने फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच दोनों दे दिए हैं और मेंशन कर दिए पर्टिकुलर कि यही क्वेश्चन पूछने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन को, ग्रामर एंड यूसेज। ये देखिए, अगर आप पहला देखेंगे पार्ट, तो पहला पार्ट जो आपका है वो कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप देखते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल मिला के कितनी संख्या में, 8 है। आपको पता है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। लेकिन हमें यहां सिलेबस में कितने दिए गए हैं, अब 4, केवल 4 हमारे पास है यहां सिलेबस में। एक है आपका नाउन, एक है आपका वर्ब, एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको और आपके एग्जाम के लिहाज से ये बहुत आपके काम आने वाली चीजें हैं। अगर इस टॉपिक नाउन को देखेंगे आप, नाउन्स, इसका मतलब नाउन में पढ़ना क्या है आपको? देखो, नाउन में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जेंडर पढ़ते हैं अपन, सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं अपन, यूज ऑफ नाउन पढ़ते हैं अपन, बहुत सारी चीजें हैं। नाउन एक तो डायरेक्टली आपके सिलेबस में है कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, ठीक है। दूसरा, जब आप पार्ट बी में जाएंगे तो एक टॉपिक है आपको फ्रेज और एक है क्लोज, तो वहां भी आप पढ़ेंगे नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज। तो उस नाउन के साथ साथ उसको भी आप कवर कर लें कि नाउन क्या है, नाउन के यूज क्या है, फिर नाउन फ्रेज क्या है और नाउन क्लोज क्या है। इससे क्या होगा कि पार्ट बी के आपके जो टॉपिक हैं वो ऑटोमेटिक कवर होते जाएंगे साथ साथ इसके, ठीक है। तो नाउन, उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब अपने आप में देखिए, यहां वर्ब, अगर हम वर्ब की बात करूं, हमारे सिलेबस में टॉपिक क्या है, वर्ब। अगर आप इस वर्ब की बात करेंगे, तो इस वर्ब से अगर आप देखना चाहें कि सर वर्ब पढ़नी हमें, तो वर्ब एक तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वहां दिया गया है पहले पार्ट में, दूसरा वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जहां वर्ब का यूज होता है। सबसे पहले आपका टेंस, इसमें आप वर्ब से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हैं। दूसरा, इसके अलावा वर्ब से जुड़ी हुई चीजें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे। तीसरा, कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ेंगे इनको। उसके बाद वॉइस में पढ़ेंगे आप, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसमें पढ़ेंगे आप। उसके बाद नरेशन में भी, आपको पता है नरेशन में भी पढ़ते हैं इसको हम, नरेशन में भी इसको पढ़ेंगे आप। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसको आप पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज में, मॉडल्स में या ऑक्सिलरीज में, ऑक्सिलरीज जो है हमारी सहायक में, उनमें पढ़ेंगे। तो टेंस में आप इसको पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे, वॉइस में पढ़ेंगे, नरेशन में पढ़ेंगे और मॉडल्स में पढ़ेंगे। इसका मतलब जब आपके दिमाग में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट वर्ब आए, तो ना केवल वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब के साथ साथ सारी चीजें कवर कर जाए आप, एक वर्ब के साथ ही आपके 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखिए आप, हम उसमें टिक ट्रेस आउट करके देखते हैं इसको। देखिए, ये आपका वर्ब, तो मैंने वर्ब में क्या बताया कि टेंस इसमें कवर होगा आपका, ये मॉडल ऑक्सिलरीज इसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पार्ट भी इसमें लगभग आ जाता है आपके लिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टॉपिक जो देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं, इस वर्ब से जुड़े हुए हैं। यानी 5 चैप्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, वर्ब से जुड़े हुए हैं। तो इन, हम वर्ब के जब स्टडी करेंगे तो अब इन सबको एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड इससे हमें क्या होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारा पूरा एक सेगमेंट पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा सेगमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी वर्ब, देन यू हैव टू रीड दिस
दीज चैप्टर्स ऑल्सो, इन चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एडजेक्टिव का अगर आप बात करेंगे तो एडजेक्टिव का अगर आप देखते हैं एडजेक्टिव में क्या है, एडजेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो पहले मैं आपको शायद इस पे YouTube चैनल पे कुछ वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, और वो वीडियोस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिएगा फ्यू ए फ्यू दे फ्यू लिटिल ए लिटिल दे लिटिल मैंने पढ़ाया है उसमें। तो अगर एडजेक्टिव की अगर बात करें तो एक जो टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है वो है आपका आर्टिकल का टॉपिक, आर्टिकल्स। इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप देख लीजिएगा एक आर्टिकल। दूसरा इसी के साथ उन्होंने दिया है आर्टिकल्स, पहले केवल लिखा था डिटरमिनर्स। ध्यान से सुनना, पॉइंट को देखिएगा, आप सिलेबस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले लिखा था आर्टिकल्स, अब इसको पहले लिखा था डिटरमिनर्स, अब उसने कर दिया आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। इट मींस नाउ यू कैन अज्यूम और थिंक कि जब उसने स्पेशली मेंशन किया है वर्ड आर्टिकल, इसका मतलब इस टॉपिक में से भी आपको कम से कम दो तीन क्वेश्चन यहां से बनने हैं। सो नाउ आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, आर्टिकल्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू, आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डिटरमिनर तो कर है ही, लेकिन ये पहले से ही मेंशन था, स्पेशली अब उन्होंने क्या कहा है आर्टिकल, इसलिए अभी वैसे तो डिटरमिनर में पढ़ते थे हम भाई, एडजेक्टिव का पार्ट डिटरमिनर और आर्टिकल दोनों ही होते हैं, तो आप जब एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो आपको आर्टिकल और डिटरमिनर भी पढ़ना है। दूसरा अगर देखेंगे इससे जुड़ा हुआ टॉपिक वो है डिग्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक कुछ ट्रिक्स हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इसमें डाउट रहता है सर मुझे चेंज करना नहीं आता, कैसे सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बनाना है, कैसे कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाना है, हमें प्रॉब्लम महसूस होती। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, और मैं आपको पहले कह रहा हूं ना कि मुझे आपको स्कॉलर नहीं बनाना है, अभी मेरा टारगेट ये है कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साथ में कुछ ऐसी ट्रिक भी हो कि बाय चांस कहीं फंस जाएं तो आप ट्रेस आउट कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के ही हैं, कि आपको पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव या वाइस वर्सा, उसमें कन्वर्ट करना है। तो दो टॉपिक ग्रामर के आपके यहां से कवर हो जाएंगे, आर्टिकल एंड डिटरमिनर और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पांच टॉपिक जो आपके हैं वो कहां कवर हो गए, आपके पांच टॉपिक जो है आपके कवर हो चुके हैं पहले ही वर्ब वाले पार्ट में, और दो यहां कवर हो गए। इसका मतलब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि वर्ब से हमें पांच टॉपिक क्लियर करने हैं और एडजेक्टिव से हमें दो टॉपिक क्लियर होने हैं, तो हमारे सात टॉपिक हो गए। वापस देखिए सिलेबस को, देखिए इससे हमारे कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ, एडजेक्टिव से ये हो जाएगा आपका आर्टिकल और डिटरमिनर, और एक आपका ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। अच्छा इसमें भी यहाँ कंपैरेटिव सुपरलेटिव दिया है, लेकिन हमें पढ़ना तो पॉजिटिव भी पड़ेगा, लेकिन हमारा फोकस जो है वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव के ऊपर ही रहेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस भी हमारा कवर हो गया था वर्ब में, वर्ब में देखिए टेंस हो गया, मॉडल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, और आपका क्या हो गया कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट। अच्छा इसमें पांच नहीं देखो आप छह हो गए हैं आपके, टेंस एक, मॉडल दो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तीन, कंडीशनल चार, एक्टिव पैसिव पांच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट छह, यानी वर्ब में पांच की बजाय इसको छह कर लो, ये छह हो गए हमारे इसमें, लगभग छह हो गए, छह टॉपिक हो गए इसमें, छह यानी वर्ब के तहत आप पांच नहीं छह टॉपिक देखिएगा, और यहां से आपके टॉपिक हो गए दो, एडजेक्टिव में दो टॉपिक हो गए, एक कौन सा हो गया आर्टिकल एंड डिटरमिनर, और दूसरा हो गया आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये वाला टॉपिक। अब आपके पास क्या बचा है, यानी आठ टॉपिक यहां से हो गए आपके लिए। अब आप देखेंगे आगे तो आप देखिए ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद अपने अपने टॉपिक्स को तो पढ़ ही रहे हैं साथ साथ, ये भी शामिल हो गया, तो आठ और एक नौ टॉपिक ये कवर हो गए, नौ टॉपिक हो गए। अब उसके पास आपके पास बचा एक, क्या एक बचा सबोर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, एक बचा आपके पास एफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये वाला पार्ट बचा है आपके पास एफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और इसके अलावा और लगभग सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो देखिए एक टॉपिक हमारे आता है कंजंक्शंस, कंजंक्शंस जो है कंजंक्शन में क्या है,
वैसे तो कंजंक्शन अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं है। एक टॉपिक था पहले ज्वाइनिंग सेंटेंसेज, ज्वाइनिंग सेंटेंसेज भी हम हमारे सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक हटा है ज्वाइनिंग सेंटेंसेज वाला। ज्वाइनिंग सेंटेंसेज जो है दिस टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अभी भी हमारे सिलेबस में है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करना सीखेंगे तभी आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको तो छोड़ो, खैर डायरेक्टली नहीं है सिलेबस में, मेन टॉपिक जो है इसमें कंजंक्शन में जो काम आने वाला है, कंजंक्शन जो डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे सिलेबस में नहीं है, कंजंक्शन में जो मेन टॉपिक हमारे लिए है वो क्या है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। देखो यहां, ये देखिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये आपका कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सबोर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट रीडिंग सबोर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन और कंजंक्शन यू आर नॉट एबल टू ट्रेस आउट और फाइंड आउट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। क्योंकि क्या होता है, कुछ मान लो कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो क्या है सबोर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अब अगर आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, तो आपको पता है कि जो वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़े होते हैं वो वाक्य कैसे वाक्य होते हैं कंपाउंड, और जो सबोर्डिनेट कंजंक्शन जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो आपको मान लो बाय चांस एग्जाम में आप फंस भी जाएं कि मुझे नहीं पता लग रहा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप कई बार कनेक्टिव को देख के कंजंक्शन को देख के समझ जाते हैं कि कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स। मान लो किसी वाक्य में सो दैट आया है तो आप समझ जाएंगे अपने आप में कैसा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। तो कंजंक्शन जो है कनेक्टिव जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसको जहां भी पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ने से पहले एक बार आपको थोड़ी देर के लिए यानी कुछ थोड़ा सा कुछ जानकारियां कनेक्टिव की या कंजंक्शन की भी होनी चाहिए, वो होगी तभी आपका काम चलेगा। तो देखिए इसका मतलब हम दो टॉपिक जो है, यानी ये वाला जो टॉपिक सबोर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये और ज्वाइनिंग हमारे सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा उसको भी देख सकते हैं आप, ये कंजंक्शन के तहत आप पढ़ सकते हैं, आपके कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद अपने आप में एक टॉपिक है, ये हो गया। आर्टिकल एंड डिटरमिनर मैंने बता दिया आपको कहां पढ़ेंगे आप, एडजेक्टिव में पढ़ लेंगे। टेंस, टेंस जो है वो क्या है, टेंस वाला, यानी टेंस हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, और उसके बाद एक्टिव पैसिव हो गया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, यानी एक दो तीन चार पांच और छह टॉपिक हमारे किसके साथ कवर हो गए, वर्ब के साथ कवर हो गए, और दो एडजेक्टिव में हो गए, ये आपके कंजंक्शन के साथ हो जाएगा। एक जो देखिए पहले प्रीपोजिशन जो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी था, क्योंकि पहले सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ था, लेकिन अब वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखेंगे तो इसको कहीं मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब प्रीपोजिशन के स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और मैं फिर कह रहा हूं बार बार इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप कितना ही पढ़ते जाओ, कितना ही खूब कितना ही पढ़ लो, एग्जाम के हिसाब से अगर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कोई मांगता है टॉपिक आपके लिए तो वो प्रीपोजिशन है। जो अगर जहां गलतियां करेंगे और अगर आपको डाउट है कि मैं मेरी जो कही हुई बात ये कहीं सटीक नहीं लग रही आप, देन यू कैन गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना, सॉल्व आउट, यू विल फाइंड आउट द थिंग, आपको पता लग जाएगा कि गलतियां कहां कर रहे हैं आप। प्रीपोजिशन में आपसे गलतियां ज्यादा होती हैं, और गलतियां कहां करेंगे आप आर्टिकल और डिटरमिनर में, और गलतियां कहां करेंगे आप मॉडल ऑक्सिलरीज में। बाकी ये जो टॉपिक देख रहे हैं आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, कोई गलत नहीं करता इनको, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ा आपने, अपने आप टिक सही हो जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स हैं, आपको ध्यान है तो अपने आप ठीक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव की सहायता से आसानी से पहचान सकते हैं। कंडीशनल भी अपने आप में फिक्स हैं कंडीशंस, आपको पता है कि एक तरफ प्रेजेंट आएगा इंडेफिनेट तो फ्यूचर इंडेफिनेट, वो कंडीशन कुछ है पता है आपको सब, और नहीं पता है तो आपके वीडियो देख लेंगे आप, देखना समझ आ जाएगा। एफर्मेटिव से नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये भी फिक्स है, कुछ नियम्स हैं अपने आप, और नहीं भी पता लगता है तो सेंटेंस को देख के आप समझ जाते हैं कि इसका जो नेगेटिव बनाया गया है वो क्या है, वो सही बनाया कि नहीं बनाया। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देखिएगा आप, जब एफर्मेटिव नेगेटिव की बात करते हैं हम, तो यहाँ से देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंपल चेंज, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, देन यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ट्रांसफॉर्मेशन then you should think that the meaning must not be changed, meaning change नहीं होना चाहिए। अगर meaning change हो गया तो फिर वो transformation नहीं रहेगा, ध्यान रखेगा। अगर meaning change हो गया, जैसे मान लो मैंने लिखा everything is possible, everything is possible, अब मान लो मैं sentence को इसको convert कर रहा हूं, देखो मैं कह सकता हूं nothing is impossible,
ठीक है, नथिंग, इसका मतलब देखिए, अब दोनों सेंटेंस को देखिए आप, एवरीथिंग इज पॉसिबल और नथिंग इज इम्पॉसिबल, दोनों का मीनिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहां हमने हमने कन्वर्जन किया लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला, अर्थ नहीं बदला। तो ये वास्तव में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यही होता है, लेकिन कई बार हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऐसे ऑप्शन हमारे पास होते ही नहीं है। तो फिर सिंपल, ऐसी कंडीशन में सिंपल जो एफर्मेटिव से वाक्य दिया गया है नेगेटिव, उसी को हमें मान लेना है कि वही उसका चेंज है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, एग्जामिनर ने अगर दे दिया तो हमें उसी को मानना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे वाले सेंटेंस दिए हुए ऑप्शन में तो फिर वही होंगे। मान लो सपोज करो सेंटेंस है ही स्पीक्स इंग्लिश, ऐसा वाला सेंटेंस है। अब इसका क्या करेगा, अब इसका वो करना चाहेगा मान लो तो क्या करेगा, तो करे मान लो उसने लिखा है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हमें उसको मान लेना है, वही मानना पड़ेगा। लेकिन वो वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो एक सिंपल चेंज है। ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक वो है जहां आपसे कोई गलती नहीं होती है, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और ये टॉपिक वो है, अगर यहां आप गलती कर रहे हैं तो आप एग्जाम की तैयारी करना ही छोड़ दीजिए। समझ रहे हो आप, तैयारी करने का मतलब पढ़ने के बाद, हो सकता है कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हो, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद अगर इनकी एक्सरसाइज करेंगे आप, तो एक्सरसाइज में आपको पता लग जाएगा, आसानी से आप इनको ट्रेस आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते, कुछ भी पकड़ लेते हैं, कभी कनेक्टिव से पकड़ लेते हैं कि कौन सा कंजक्शन लगा है, कभी आप वर्ब से पकड़ लेंगे, कभी प्रोनाउन से पकड़ लेंगे, प्रोनाउन नहीं तो कभी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस से पकड़ लेंगे, कोई ना कोई चीज से पकड़ में आ जाता है आपको। इसी प्रकार एक्टिव पैसिव में पकड़ लेते हैं कि वर्ब का सही यूज हुआ कि नहीं हुआ, बीन लगाया है क्या परफेक्ट टेंस का वाक्य, तो बीन में बदला है कि नहीं बदला, यानी कहीं ना कोई हिंट से पकड़ लेते हैं। इसमें भी एफर्मेटिव नेगेटिव से आप पकड़ लेंगे, बहुत सिंपल से टॉपिक है, इनको कवर कर लेंगे। और कंडीशनल सेंटेंस भी आपको पता हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, कंजक्शन से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ रूल याद करने, इसका फिक्स पॉइंट है कि तीन चेंज कैसे करते हैं। जैसे मान लो उसके शॉर्ट मैंने फॉर्मूला बता रखा, कभी एक दिन छोटा वीडियो बनाऊंगा, डिग्री का क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडल वाला मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखो आप टेंस में, टेंस में रूल्स हैं, आप याद कर लेंगे ध्यान से, फिर भी ये भी थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, बाकी ये सारे टॉपिक जो हैं इजी हो जाते हैं। मेनली आपको जो ज़्यादा प्रैक्टिस जिस पे करनी है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन और आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बाकी सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। नीचे देखिए, अब आइए पॉइंट नंबर 10 तक। ऊपर के सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं ना, आप डालना अपना आंसर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई, मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है रिप्लाई एक दिन बाद आए, दो दिन बाद आए, पर रिप्लाई करूंगा। देखिए ये है आपका फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, वर्ड ऑफन मिसस्पेल्ड और कंफ्यूज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये जो चार पार्ट देख रहे हैं आप 11 से लेकर 14 तक, सॉरी 11 से लेके 14 तक जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसमें देखिए आप फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, इडियम्स और वर्ड्स ओपन मिस स्पेल्ड, कंफ्यूज्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये जो चार पार्ट देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा बनते हैं सिनोनिम एंटोनिम, बहुत सारे माफ करना थोड़ी तबियत डाउन लग रही है। तो सिनोनिम और एंटोनिम जो है इसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो ऊपर आप टॉपिक देख रहे हैं तीन फ्रेजल वर्ब्स, ये आप प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बुक बता दी है, कौन सी, ब्लैक बुक, आपको ध्यान है मैंने आपको बताई है बुक, एक ब्लैक बुक, निखिल गुप्ता ब्लैक बुक, आप उसको पढ़ना, उसकी फ्रेजल वर्ब्स तैयार कर लेना और प्रोवर्ब्स और इडियम्स तैयार करना, पुराने क्वेश्चन पेपर्स में जो फ्रेजल वर्ब इडियम्स आई हैं उनको भी तैयार कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ये इजीली तैयार हो जाएंगी, ये भी इजीली हो जाएंगी। ये जो है वर्ड ऑफन मिसस्पेल्ड, ये अभी डाला है, पहले नहीं था ये, ये आपके अभी डाला है ये वाला पार्ट, ये जो था सिनोनिम एंटोनिम आपको पता होगा पहले आपके पार्ट बी में था, पॉइंट नंबर 6 पे पार्ट बी में था, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो ये भी पहले से था। वर्ड्स ओपन मिस स्पेल्ड एंड कन्फ्यूज, यानी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मान लो हम कहें एस एच ए डबल एल, एस ए आई एल, एस ई डबल एल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड जो मतलब जिनकी स्पेलिंग जो है हम, जैसे पीस पीस, ऐसे बड़े वर्ड भी होते हैं कई बार वर्ड, कमिटी, ऐसे कुछ वर्ड हैं, प्ले राइट, एग्जाम में आ चुका है कि प्ले राइट की स्पेलिंग क्या होगी साहब,
ऐसे जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स ओपन मिस स्पेल्ड और कंफ्यूज, प्ले राइट या प्ले राइट, ऐसे वर्ड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे। कमेटी की स्पेलिंग क्या है, COMM आता है कि COM आता है, COMMITTEE होता है या COMITEE होता है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो जिनकी स्पेल में हमें कंफ्यूज होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं ये आप, कुछ फिक्स वर्ड्स हैं ऐसे लगभग जो भी 200, 300, 400 वर्ड्स हैं ऐसे, उनको आप कहीं भी देखना, धीरे धीरे आपके दिमाग में अपना आप आइडिया सेट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है टॉपिक आपके लिए, ठीक से कर पाओगे इसको, तो ये भी ठीक है टॉपिक, ये भी ठीक है। इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, इसमें यही है कि आप रोजाना 5-10 तैयार करें तो हो सकता है तैयार, लेकिन इन तीनों को तो आपको हर हाल में तैयार करना है, इन तीनों को तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना। इन तीनों को अगर छोड़ जाओगे आप तो मार खा जाओगे आप, ध्यान रखिएगा, समझ गए, आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। मैं आपको समझा दिया है कि ऐसे टॉपिक जो बहुत सिंपल टॉपिक है जहां गलतियां नहीं होती, अगर वहां गलतियां करोगे तो मार खा जाओगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और आपके ये जो टेंस वगैरह, ऐसे टॉपिक जहां अगर कंडीशनल सेंटेंस, यहां गलतियां करेंगे तो फिर कोई चांस नहीं है सिलेक्शन का। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन देन यू हैव टू अवॉइड मिस्टेक्स इन सच टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका लगभग, ये जो है फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड स्ट्रेस आपको मैंने जो पहले बताया था पुराने टाइम में, कि यहाँ जो पुराना पैटर्न था उसमें कि ये वाला टॉपिक जो है पार्ट बी में भी है, लेकिन अब वो पार्ट बी से रिमूव कर दिया गया है, यानी फोनेटिक अब केवल और केवल पार्ट वन में है, पार्ट बी में नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके पास एक आउटलाइन ढांचा मैंने तैयार कर दिया है, कि वापस से आप समझिएगा कि 6 टॉपिक आपके वर्ब से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा 2 टॉपिक आपके किससे हैं, एडजेक्टिव से जुड़े हुए हैं, तो 8 तो सीधे टॉपिक ये हो गए आपके। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिग्री वाला, वो भी वो तो उससे हो ही गया। ट्रांसफॉर्मेशन जो है कौन सा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला, वो आपके कनेक्टिव एंड कंजक्शन जुड़ा हुआ है। एक टॉपिक आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक हो जाएगा, खुद का अपने आप में टॉपिक है। एफर्मेटिव और नेगेटिव वाला पार्ट, वो एक अलग से टॉपिक तैयार करना, इससे आपका पहला पार्ट बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, अगर आपको कोई सिलेक्शन करवाएगा सेकेंड ग्रेड में तो ये वाला पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ जो बच्चा लीड करेगा सिलेक्शन के चांस उसके सबसे ज़्यादा होंगे, और जहाँ भी आप कहीं कुछ भी कहीं भी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, क्लास देखते हैं कहीं भी, मोस्टली आपको इस पार्ट में बहुत सारे कम क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत कम मटेरियल मिलता है। कारण ये है कि इस पार्ट के अंदर क्या है, ना तो अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन इस पार्ट के साथ अब जो उन्होंने चेंज किया है, दिस चेंज इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, ये बहुत अच्छा है, आपको भी अनावश्यक तनाव में नहीं लाएगा, अनावश्यक तैयारी नहीं। देखिए क्या होता है कई बार, जैसे मैं कहता हूँ नेट सेट का एग्जाम इंग्लिश में बहुत टफ होता है, बहुत कम लोग होंगे राजस्थान में जिनका नेट क्लियर होगा, यानी चाहे पढ़ने वाले हों या पढ़ाने वाले लोग हैं, नेट का एग्जाम बहुत कम लोगों के पास ये उपलब्ध, क्यों, कारण क्या है, उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ हमारे पास बुक्स पता नहीं क्या है, सिर्फ लिख देंगे बस विलियम, यानी इस एज से इस एज तक, यानी पूरा विक्टोरियन पीरियड में कौन, अब पढ़ते रहो सारे, क्या पढ़ोगे आप। तो हमारे पास उस समय क्या होता है, हमारे पास ये पता ही नहीं कि हमें क्या पढ़ना है, अब आपके पास कम से कम ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, और जब हमें पता है क्या पढ़ना है तो उसको तो हम पूरा पढ़ ही सकते हैं ना, इसलिए ये पार्ट में आपके लिए कुछ सहूलियत कर दी गई है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए बढ़ते हैं पार्ट सेकेंड की तरफ। ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर, देखिए इसमें ग्रामर की अगर बात करें, आप ग्रामर की बात करते हैं तो पहले वाले तीनों टॉपिक जो हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये टॉपिक आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं। बस ये वाला जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ये कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मेनली आप सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल्स इनको पहचानते हैं तो इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो सेंटेंस आपको दिया उसने, ही पेंटेड द डोर ग्रीन, अब क्या कर रहा है, यहां से अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो, ये मान लो आपका क्वेश्चन है, अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपसे, वो कहेगा कि इस सेंटेंस को आप बताइए कि इसमें कौन कौन सा पार्ट है, मान लो इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे आपसे पूछ लेगा, मान लो कि ही पेंटेड द डोर ग्रीन, मान लो ऐसा पैटर्न आ गया, तो अब ये देखिए ये बना SVOC, ये तो बना
एस वी ओ सी इसका पैटर्न बना, भाई ही आपका सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वॉट इसका मतलब ये डोर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और किसको ये ग्रीन ये सी की क्वालिटी बता रहा है इसका मतलब क्या है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ऐसे आपसे क्या कहेगा, आपसे या तो कहेगा पहला क्वेश्चन कि भाई इसका जो है पैटर्न कौन सा है, एस वी ओ सी है, एस वी ओ ए है, एस वी ओ कुछ भी, मतलब आपसे वो पूछेगा कि उसमें क्या है, एस वी ओ ए है, एस वी ओ, मतलब जैसे आपसे चार पांच ऑप्शन दे देगा, एस वी ओ सी, एस वी ओ ए, एस वी ओ ओ, ऐसे कुछ भी, एक तो पैटर्न ये हो सकता है। दूसरा वो क्वेश्चन आपसे कर सकता है क्या कि इसी पैटर्न का दूसरा सेंटेंस छांटिए कौन सा है, कि सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करने वाला सेंटेंस छांटिए कौन सा है, समझ गए आप, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। तो एक तो ये पूछ सकता है कि इसका पैटर्न क्या बना हुआ है, दूसरा छांटिए कि इस पैटर्न पे बना हुआ सेंटेंस कौन सा है या कौन सा नहीं है, तीन ऐसे दे देगा एक अलग दे देगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्या करना है उसके अंदर क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट बता दिया मैंने आपको। दूसरा जो है इसमें पॉइंट, दूसरा देखिए, दूसरा है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम। ये भी अच्छा टॉपिक है, मैंने बुक बताई थी आपको पहले भी कि अगर आपके पास जोफ्री लीच की बुक है, थोड़ा समझने में टफ है उसको, हम जब आपके ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कराऊंगा मैं आपको, तो ऑनलाइन कोर्स के अंदर मैं आपको, क्योंकि उस बुक को पढ़ेंगे आप, इसमें इतने पेड़ सारे बना दिए, ब्रांच ट्री ऐसे बना दिया कि आप थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर उसको बंद करते हैं, ए सर क्या करूं मर जाऊंगा, जान निकल जाएगी, मैं तो मर रहा हूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मरना नहीं है आपको, मरना नहीं है, मैं आपको उसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनेंगे वो वहीं से, कई बार तो सीधा सीधा उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज पूछ लाइन उठ के आ गई वहीं से सेंटेंसेस, तो क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होने हैं, हम उसके सारे एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस सारे हल कर देंगे, सारे अपने आप कवर अप कर लेंगे उसकी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रेज एनालिसिस टर्म ऑफ एमएचएम का मतलब क्या है, पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि फ्रेज होती क्या है साहब, अगर आपको यही नहीं पता फ्रेज क्या होती है तो फिर एमएचएम तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, इस एमएचएम को समझिए, इस एम का मतलब मॉडिफायर है, H का मतलब मॉडिफायर है, M का मतलब मॉडिफायर है, जो पहले, कई बार इसको कहते हैं जो पहले लग जाए इसका मतलब आपका प्री मॉडिफायर है, जो बाद में लग गया इसका मतलब आपका पोस्ट मॉडिफायर है, समझ गए। सिंपल सा टॉपिक है ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, मान लो कुछ हुआ, ठीक है, जैसे पहले मैं कहूं आपको क्या है, जैसे गुड बॉय, अभी आप देखिए इसमें मैं आपको वर्ड का समूह है अ गुड बॉय, मान लो अ गुड बॉय, तो अब इसमें देखिए ये मैं कह रहा हूं सब बॉय क्या है आपका हेडवर्ड है, ये एच है, क्योंकि ये बॉय किसके लिए आया है, गुड किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया ना, तो बॉय क्या हो गया हेडवर्ड। अब इसकी विशेषता बता रहा, पहले वो क्या आपका एम है, और पहले आया इसलिए क्या हो गया प्री मॉडिफायर है, तो ये एच हो गया, एम हो गया, इसका मतलब पहले सिर्फ आपको ये पहचाना कि फ्रेज क्या है, बस एक बार आपको पकड़ में आ गई कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है कि कौन सी नाउन फ्रेज है कि कौन सी फ्रेज है, वो आप समझ गए, अपने आप छांट लेंगे, आपको हेडवर्ड छांटना है। अगर हेड पता लग गया कि हेड कौन है, अगर एडजेक्टिव हेड इसका मतलब एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन हेड इसका मतलब नाउन फ्रेज है, तो हेड छांटेंगे, उसके पहले जो आएगा वो क्या हो जाएगा मॉडिफायर, और जो बाद में आएगा वो पोस्ट मॉडिफायर। तो इतनी सी कहानी है इसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक आपका क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ स्पोक का, तो वही बात, पहले आपको क्लोज को ट्रेस आउट करना है, क्लोज को समझना है कि क्लोज होता क्या है, उसके बाद आपको एस पी ओ सी में सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ये वाला आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न में भी कवर हो जाएगा और इसमें भी आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस पार्ट में ग्रामर के कितने टॉपिक हैं हमारे, कुल मिला के तीन टॉपिक हैं, ग्रामर के कितने टॉपिक हैं तीन, पहला बेसिक सेंटेंस पैटर्न, दूसरा फ्रेज एनालिसिस इन टर्म ऑफ एमएचएम, और तीसरा क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ स्पोक का, ठीक है, समझ गया, क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखिए, ये जो आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब, इसमें कुछ नहीं है, 10-15 आपके पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे थे सर हम पेसेज के प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में पुराने वाले क्वेश्चन है ना, ग्रेड वन में आए हों, ग्रेड टू में आए हों, लगभग अगर उनको भी कर लेंगे आप 10-12 पैसेज, वो भी आपके अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनके पैसेज हल कर लीजिए सारे,
ठीक है, अगर आप 10-12 पैसेज में हल कर लेंगे तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वोकैब वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का ही आता है वोकैब कोर्स में। ठीक, तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज पे, 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एक वोकैब वाला क्वेश्चन आप अगर आपको आता है वोकैब तो ठीक है, नहीं उसके अलावा जो 4 क्वेश्चन है कम से कम वो तो आपके हर हाल में ठीक हो जाएंगे, और कोशिश करेंगे वोकैब वाला भी आप ठीक कर दें। तो ये पार्ट हो गया आपका ग्रामर वाला पार्ट। अब जो पार्ट स्टार्ट होता है वो लिटरेचर यहाँ से स्टार्ट होती है, और सबसे पहला जो इसमें पॉइंट डाला गया है 5th वाला, वो है पोइट्री अप्रिशिएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन में एग्जाम दिए ही होंगे, आप इंग्लिश से ही जब तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, कि दी गई पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करिएगा। अब व्हाट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, तो आप एप्रिसिएशन मतलब किसका कर रहे हैं, पोएट्री का, जैसे आप किसी का प्रोज का करते हैं ऐसे ही पोएट्री का होता है। तो पोएट्री के अंदर एप्रिसिएशन क्या क्या चीज़ें कई बार आती हैं, हो सकता है कई बार आपको पोएम दे के पूछे कि आपको क्या लगता है किसका सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको मान लो 10 लाइन दी कोई पोएट्री की, 10 लाइन दे दी जो आपके लिए अननोन है, आप जानते नहीं है, एंड आफ्टर रीडिंग दैट पोएम, उस पोएम को पढ़ने के बाद यू हैव टू चूज द सुटेबल टाइटल। तो आपको 4 टाइटल देगा, आपसे कहेगा बताओ इस पोएम का सबसे सुटेबल टाइटल कौन सा हो सकता है, ये उसका एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो ये टाइटल का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, पोएट्री एप्रिसिएशन में पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे क्या पूछे, टाइटल पूछ ले कि साहब इसका टाइटल कौन सा है। दूसरा हो सकता है थीमेटिक क्वेश्चन पूछे कि आपने पोइम पढ़ ली तो इसमें थीम क्या है पोइम की, है ना, पोइम की थीम क्या है, तो मतलब क्या थीम क्या बनी, किस थीम पे लिखा गया है। तीसरा आपसे पूछ सकता है राइम स्कीम का पैटर्न क्या है, राइम का क्या पैटर्न है, राइम स्कीम क्या है, आप जानते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम तीसरा क्वेश्चन आपका राइम स्कीम का हो सकता है। ठीक है, चौथा आपसे राइम स्कीम के अलावा चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक, चौथा पूछ सकता है आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच कि किसी कोई लाइन देके इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं सिंपली मेटाफर वगैरह, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक पहला टाइटल, दूसरा थीम, तीसरा राइम स्कीम, चौथा क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, ये मेन इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन बनते हैं, और भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मोस्टली हमारा फोकस इन 4 पे होना चाहिए। अगर इन 4 पे फोकस होगा, अगर इन 4 पे क्वेश्चन होगा फोकस, तो आप जो हैं वो अपने क्वेश्चन को आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं, आसानी से आपका पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका फिगर ऑफ स्पीच वाला, ये आपका पोएट्री अप्रिशिएशन। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, 6th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये 6th पॉइंट आपका, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म एंड डिवाइसेस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर यू, एंड आई विल से टू यू दैट दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू। कैसे, क्योंकि पहले हम इतने पढ़ रहे थे, मैं लगभग क्लास में बच्चों को 40-50 तक पहुंचा देता हूं संख्या में, कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, सब पढ़ लो, जितना भी है क्यास्मस पढ़ लो, पैराडॉक्स पढ़ लो, वो पढ़ लो सब। लेकिन अब वो सारे हटा दिए, पैराडॉक्स भी नहीं है, एंटीथेसिस भी नहीं है, है ना, वो सारी चीजें वहां से गायब हो गई हैं। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है इसी में से पूछने वाला है, बस इसके अलावा हमें चीजें पढ़नी नहीं है, हमें केवल, हालांकि हमें अच्छा है अगर ज्ञान है तो उनका पढ़ रखी है, तो कोई आपने अब तक पढ़ ली होंगी पहले, तो वो फ्यूटाइल नहीं है आपके लिए, यूजफुल है, इट विल हेल्प यू इन पोइट्री अप्रिशिएशन। जब आप पोइट्री अप्रिशिएशन करेंगे वहां हेल्प करेगा आपको, क्योंकि वहां मान लो कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जहां क्यास्मस है, तो फिर आप ये समझ कहना कि सर वो 6th पार्ट में तो लिखा ही नहीं था क्यास्मस, तो भाई उस पर नहीं जाना है, पोइट्री अप्रिशिएशन में तो कुछ भी पूछ सकता है, उसमें तो आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार होनी चाहिए आपके, है ना। तो यहां देखिए आप, ओड है, इलिजी है, सोनेट है, इपिक है, मोक इपिक, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था 2 चीजें होती हैं, फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच। ये ओड एक फॉर्म है, एलिजी एक फॉर्म है, सोनेट एक फॉर्म है, इपिक एक फॉर्म है, ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म है, बेलार्ड फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म है ना, ये तो फॉर्म ही है सारी, और मैं आपको पहले कह रहा था कि भाई इसको बताना चाहिए कि फॉर्म के क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच, तो ये देखो आप इनको देखोगे सारे के सारे, तो अपने आप में क्या है, फॉर्म्स हैं, ये सब के सब फॉर्म्स हैं, यहाँ तक सारे फॉर्म्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, एलिट्रेशन आपका क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, सिंपली मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयरनी, ये सटायर जो है ये दोनों में आ जाता है, फॉर्म भी मान सकते हैं अपने सटायर को, और फिगर ऑफ स्पीच में भी आ जाता है। ऑनोमेटोपिया, ये आपको पता है साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं कि आप देखिए यहाँ तक वाले आपके क्या हैं, फॉर्म्स हैं, और ये नीचे जो देखेंगे आप
ये आपके क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो कुल मिला के 6 ये हैं आपके और 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं, 11 है कुल मिला के टॉपिक। तो यानी 6 तो आपको क्या पढ़नी है, फॉर्म पढ़नी है, और 5 क्या है आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, समझ गए आप। तो इसमें डिवाइड कर लेना फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच में दोनों में, और बहुत इजी कर दिया इसको अब आपके लिए। मैं तो कहूंगा कि आपके लिए, मान लो आपके लिए, आपको तो प्रसाद बांट देना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें बार बार प्रॉब्लम होती है बच्चों को। स्नेक डॉग की जब जो प्रॉब्लम वाली थी तो गायब ही कर दी इसने नालायक ने, हैं, मेटोनिमी, स्नेक डॉग की, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, जहां बच्चा फंसता है वो तो सारे हटा दिए। ये तो आपको लड्डू हलवा बना के तैयार करके दे दिया इसने, खा लो आराम से। तो आप आराम से इसमें मजे से खाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक 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 के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करा दूंगा इसमें, ठीक है। तो इजी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। 7वां टॉपिक देखिए, एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स। देखिए इसमें रेनेसा, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो आपको समझना होगा कि पीरियड्स हैं क्या। आपको पता है मैंने एक दिन वीडियो बनाया था आपके लिए मोमेंट्स पीरियड्स को लेके, वीडियो बनाया था कि सबसे पहले क्या है, प्री चोसर एज है, उसके बाद एज ऑफ चोसर है, उसके बाद आप पोस्ट एज कह सकते हैं या बैरन पीरियड कह सकते हैं, उसके बाद एज ऑफ शेक्सपियर है, उसके बाद आप आएंगे तो एज ऑफ मिल्टन है, उसके बाद आप जाएंगे तो एज ऑफ मिल्टन के बाद एज ऑफ ड्राइडन है, उसके बाद आएंगे तो आप एज ऑफ पोप है, उसके बाद एज ऑफ जॉनसन है, उसके बाद एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है, उसके बाद एज ऑफ टेनिसन है, उसके बाद एज ऑफ हार्डी है, उसके बाद मॉडर्न एज है, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज है। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए पिक्चर, ठीक है। और दूसरे एंगल से हमने वैसे भी बांटा था कि पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड आएगा, है ना, एंशियंट पीरियड यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड, उसके बाद हमने आगे बांटा है रेनेसा, रेनेसा पीरियड हमने फिर अलग उसमें पार्ट में बांटा है, एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबिन एज, कैरोलाइन एज, आपको याद है ये सारे हमने बांटे हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में उसको हमने बांटा है। उसके बाद न्यू क्लासिकल में हमने बांटा रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा है, अगस्टन एज कौन सा है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, और दूसरा आपके एज ऑफ जॉनसन या फिर एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं हम उसको। उसके बाद आपका रोमांटिक पीरियड आता है, रोमांटिक के बाद आपका कौन सा पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, उसके बाद विक्टोरियन के बाद आपका मॉडर्न पीरियड है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बट कंडीशन ये है कि आपको पहले समझना होगा वर्ड को कि भाई मेटाफिजिकल क्या है, व्हाट इज मेटाफिजिकल। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं मेटाफिजिकल या न्यू क्लासिकल, देखो आप हम एग्जांपल लेते हैं न्यू क्लासिकल का, ठीक है, कोई सा का एग्जांपल ले लिए, रोमांटिक पीरियड का ले लो, रोमांटिक पीरियड का एग्जांपल ले लो कि रोमांटिक पीरियड की शुरुआत 1798 में होती है, 1798 में एक बुक के साथ जिसका नाम लिरिकल बैलाड है। ये लिरिकल बैलाड जो है ये बुक है जिसको लिखने वाले दो व्यक्ति थे, वर्ड्सवर्थ और विलियम कॉलरिज, ठीक है, लिरिकल बैलाड दो, एक बुक लिखी 1798 में, इसको लिखने वाले दो व्यक्ति विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज, इसमें कुल मिला के 23 पोइम थी, जिसमें 4 पोइम कॉलरिज की थी और 19 पोइम वर्ड्सवर्थ की थी। इसका दूसरा पब्लिकेशन जो आया था वो 1800 में पब्लिश हुआ था, रिवाइज पब्लिकेशन, ये ग्रुप ऑफ पोइम्स था। अब इसमें रोमांटिक एज में हमें ये देखना है कौन कौन से पोइट इंपॉर्टेंट हैं, तो वर्ड्सवर्थ हो गया, कॉलरिज हो गया, सेले हो गया, कीट्स हो गया, और भी है बायरन हो गया, ब्लैक हो गया, और भी बहुत सारे पोइट हैं। तो हमें ये याद रखना है कि इस एज में कौन कौन से पोइट हैं पहली बात, फिर उन पोइट्स की कौन से उनकी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, जो उस एज के इंपॉर्टेंट पोइट हैं, जो उस एज के इंपॉर्टेंट मतलब उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एज को, उनकी किताबें और उनके उनके जो वर्क्स हैं और उन पोइट्स के नाम हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यहां से जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन इसमें कि इसकी विशेषता क्या है, आपसे पूछेगा रोमांटिक पीरियड की कौन सी विशेषता नहीं थी, जैसे रोमांटिक पीरियड में क्या खास बात थी, रोमांटिक पीरियड में क्या था, रोमांटिक पीरियड में फॉर्म इंपॉर्टेंट थी, नहीं सॉरी फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैटर इंपॉर्टेंट था, फॉर्म न्यू क्लासिकल में इंपॉर्टेंट थी, उसके अलावा इस पीरियड में नेचर के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, उसके अलावा इस पीरियड में जो लिखा गया, जो भी लिटरेचर लिखा गया वो बैलाड्स में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया, स्पेंसर इन स्टेंजा में लिखा गया, इसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज थी वो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी और मोस्टली नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है, रस्टिक लाइफ के बारे में बताया गया है। तो वो सारी ऐसी कुछ कुछ आप पांच सात सब की विशेषताएं याद कर लो, इंपॉर्टेंट पांच सात इनके जो राइटर है पोइट वो याद कर लो और उनकी किताबें याद कर लो, सब में हमें यही करना है इनमें, ठीक है, विशेषता, पोइट्स और उनके वर्क्स, ये याद करने उसमें आपका तैयार हो जाएगा पार्ट, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं 8वें पार्ट की तरफ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी एज को उठाइए इसमें से, किसी भी पीरियड को उठाइए आप, उस पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर देखिए, उनकी बुक्स के नाम देखिए और उसकी विशेषता क्या है पीरियड की, ये देखना पड़ेगा आपको, तीन चीजें फिर बोल रहा हूं, राइटर, बुक्स
और उस पीरियड के करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं आपको। अब यहां जाएंगे आप एट्थ पार्ट में, एन एक्वेंटेंस विद मेजर मोमेंट्स। इसमें भी वही बात है सेम जो हमने पीछे किया, वही यहां पे करना है पूरा का पूरा काम। ये देखिए रोमांटिसिज्म आ गया, रोमांटिसिज्म वहां पीरियड था, यहां रोमांटिसिज्म आ गया, तो वहां वो आप वहां पढ़ लोगे, यहां पढ़ लोगे, पूरा अच्छे से पढ़ लो भाई। यहां करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, वहां आपको राइटर का वर्क पूछ सकता है, वहां पूछ लेगा लिरिकल बैलाड में किस किस की पोएम थी, तो आप कह देंगे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोएम थी। यहां पूछ लेगा कि रोमांटिसिज्म में नेचर का यूज, नेचर को प्रेफरेंस दी गई कि नहीं दी गई, रोमांटिसिज्म में कॉमन मैन की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई कि नहीं की गई, यानी आप विशेषता बता सकते हैं आप। ये गोथिक वर्ड हो सकता है, नया होगा आपके लिए, अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये गोथिक का मतलब हो गया कुछ ऐसे जो वर्क्स हैं जिनमें फियर, डर वाले, ऐसे वर्क जो है गोथिक नॉवल्स, गोथिक वर्क जो है कहलाते हैं। प्री रेफेलाइट मोमेंट, ये राफेलाइट नाम से डर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड को तोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक पेंटर था, आपने नाम सुना होगा उसका, नहीं सुना है तो सुन लेना, अब सुनना पड़ेगा आपको, राफेल, क्या नाम, एक पेंटर राफेल, राफेल जो पेंटिंग करते थे, ठीक है, उस पेंटिंग को नहीं मानते थे कुछ लोग, जिन लोगों ने इसको स्टार्ट किया मोमेंट को, है ना, मोमेंट को स्टार्ट किया, उस मोमेंट को 19वीं शताब्दी के पहले वाले पार्ट में, यानी 1848 के आसपास का जो समय है, कि भाई जो राफेल जो थी पेंटिंग बनाते थे, उस पेंटिंग को हम पसंद नहीं करते हैं, हम लाइक नहीं करते हैं, हम तो उसके प्री रेफेलाइट कहलाएंगे, उससे पहले वाली जो पेंटिंग्स हैं उनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें तो वो पसंद है। तो जो राफेल का विरोध करते थे, राफेल की पेंटिंग को पसंद नहीं करते थे, वो जो मोमेंट चलाने वाले लोग कौन थे, प्री रेफेलाइट मोमेंट वाले लोग कहलाते हैं। इसमें आपको डीजी रोसेटी इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जो सबसे लीड करने वाला व्यक्ति था डीजी रोसेटी, है ना, ठीक है, दांते गैब्रियल रोसेटी इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, और हंट है, मिलियास है ना, और दूसरा क्रिश्चियन रोसेटी, ऐसे कुछ लोग हैं, तो उन लोगों के नाम याद करने हैं, और इनमें खास बात क्या थी, इनकी विशेषताएं क्या थी, वो आपको ध्यान रखना है। रियलिज्म आपको पता है, रियलिज्म सब जानते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद, है ना, कि इंसान का अस्तित्व क्या है, इंसान को कैसे उसमें उसकी थ्योरी है वो आप समझेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, जैसे पानी की धारा बहती चलती चली जाती है, ऐसे ही जो राइटर्स होते हैं वो अपने किसी करेक्टर में उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं, वो अपने यादों के सारे अपने विचार चलते रहते हैं, विचारों के साथ पानी की तरह बहाव की तरह बहता जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सिंबोलिज्म कर देते हैं, जैसे सिंबोलिज्म, मान लो छोटा एग्जाम्पल दूं, रोज किसका सिंबल है, लव का सिंबल है, तो ऐसे सिंबोलिज्म, ये तो छोटा एग्जाम्पल दिया है, ऐसे आपके सिंबोलिज्म वाली चीजें हो जाती हैं। मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न, ये तो इनमें क्या करना है कि मॉडर्निज्म में क्या था, पोस्ट मॉडर्न में क्या, दोनों में अंतर क्या आया, इस किसके पोस्ट मॉडर्न में इसकी विशेषताओं में दोनों में अंतर क्या था, या इनके राइटर कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट, उसको हमें देखना है। और लास्ट अगर अपन चलें इसमें बी पार्ट में, तो 9th पार्ट हमारा एन एक्वेंटेंस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स। ये बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, बहुत मस्त कर दिया इसमें। देखो हमारे पास कुल मिला के कितने हैं, इसमें देखो रविंद्रनाथ टैगोर है, और भी थे ना इसमें, यहाँ है सर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, उसके बाद मुल्कराज आनंद हैं, आर के नारायण हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, तीन जो व्यक्ति हैं, मुल्कराज आनंद आर के नारायण, है ना, ठीक है, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण, ठीक है, तीसरा राजा राव, वो शायद इन्होंने देखते हैं सिलेबस में डाला नहीं, इसके इनके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडियन राइटर्स को जब पढ़ रहे हैं आप, तो हमारे जहाँ भी सिलेबस यूनिवर्सिटीज में इंडियन राइटर चलते हैं, उनकी जो किताबें, जैसे एक बार आपको पता है निजाम इज़ेकिल का आ गया नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पूछा एग्जाम में कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसकी पोइम है, तो क्यों पूछा भाई, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटीज में भी चलती हैं और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ऐसे वर्क जो क्या है, जो किसी हमारे यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं इंडियन राइटर्स में, या कहीं हमारे सिलेबस में कहीं प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, उनको हमें स्पेशल फोकस करना है, बाकी हमें याद करना है। या कुछ ऐसे वर्क जिनको बुकर प्राइज मिल गया हो, बुकर प्राइज कॉमनवेल्थ, ऐसे जो लोग हैं उनको कॉमनवेल्थ लोग जो है, मतलब कॉमनवेल्थ जो समझते हो आप, कॉमनवेल्थ का मतलब राष्ट्रमंडल देश जो है, जो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे होंगे, ऐसे देशों के जो राइटर हैं उनको मिलता है बुकर प्राइज। तो जैसे मान लो बुकर प्राइज किसको मिला हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है, किरण देसाई को मिला है कि नहीं है, अनिता जैसे कि डॉक्टर किरण देसाई उसको मिला हुआ है कि नहीं है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका वर्क है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। निजे में ये खास करिए आपको, ये दो इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर को आपको पता है नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखेंगे अनिता देसाई, ये देखिए अनिता देसाई का, अब इसमें इनका ध्यान रखना, अनिता देसाई का भी एक क्राई द पिकॉक पहला इसका जो नॉवल है, फर्स्ट नॉवल, वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है, तो आप ध्यान रखना ऐसे वर्क, अनिता देसाई का क्राई द पिकॉक वो याद कर लेंगे। ऐसे कमला दास का एक वर्क है माई स्टोरी,
ऑटोबायोग्राफी है इसकी, माय स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, अपने आप में क्वेश्चन बनता है माय स्टोरी, उसको याद ही करना है। दो तरीके से पूछ सकता है, माय स्टोरी किसका वर्क है, कमलादास का, माय स्टोरी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा कमलादास की कुछ पोइम है इंपॉर्टेंट, डांस ऑफ द यूनिक है ना, इन्विटेशन है, सनशाइन कैट है, बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट इसकी पोइम्स हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय वगैरह ये सब, ये सारे कुल मिला के इन राइटर्स के हमें वर्क मोस्टली जो है वो पढ़ी लेने हैं, और सिंपल हो गया पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला पार्ट जो है पार्ट थर्ड, टीचिंग मेथड, इसमें कोई चेंज ज़्यादा किया नहीं है, वो ज़्यादा क्या कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल CLT बिल्कुल सेम है, प्रोज पोएट्री ग्रामर कम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन ग्रेडेशन प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग, ये बिल्कुल ईजी है। अगर आपको मैंने पहले बुक बता चुका हूँ कि आप दो बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो आप आभारानी बिस्ट, अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए, आवारानी बिस्ट, और एक बुक है रिचर्ड एंड रोजर्स। आवारानी बिस्ट और रिचर्ड एंड रोजर्स दो बुक हैं, इसमें से दो आपको अच्छे लगे वो बुक ले सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हम आपके लिए इसके लिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज इसके लिए तैयार करूँगा मैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि लगभग सिलेबस को मैंने आपके सामने एनालाइज करने की कोशिश की है और हर एक एक पॉइंट, माइन्यूट पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जुड़ जाना है, क्योंकि एग्जाम जो है वो हमारा लगभग हम मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं जब भी हो, पर हमें तो मानना है कि कभी भी एग्जाम हो हमारा, हमें पूरी तरह से अपने आप को तैयार करते हुए और पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है। ध्यान रखना, होचपोच नहीं होना है कि चलो मेरे तो साहब मैंने पढ़ लिए लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच ये दो दे रखे हैं, पढ़ लिए, अब मैं और पढ़ लेता हूँ, ऐसे नहीं है। पिन पॉइंटेड स्टडी करोगे आप तभी कामयाब होगे। अगर ऐसे घुसते चले जाओ किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा, किसी को देख के कोई कहीं देख लिया कोई वीडियो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे पढ़ना है, अरे ऐसे कुछ नहीं है भाई। पुराने क्वेश्चन पेपर को देखो, उसके पैटर्न पे जो क्वेश्चन तैयार हुए उसी को पढ़ना है, उसी को लेना है। वरना तो अगर आप किताबें पढ़ते जाओगे तो एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। एक अकेला अगर राइम स्कीम को लेकर चलोगे आप तो 10 वीडियो उस पर बना दो, 15 घंटे पढ़ लो उसमें, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। जो जो सेगमेंट हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसी तरह आपको तैयार करना है, ठीक है, समझ गए आप। और ये चीज मैं आपको इस उम्मीद और विश्वास के साथ बताता हूं क्योंकि मैं खुद बार बार आपको इसलिए बोलता हूं कि मैंने देखा है कि कहां कहां कठिनाई होती है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहां कहां गलती होती हैं, क्यों गलतियां होती हैं, उन सब चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियोज लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए एक बात आप ध्यान रखें, आपका जो एक कमेंट है, आपका जो एक मेरे लिए मतलब आपका जो कमेंट है, इट मोटिवेट्स मी अलॉट, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे हिम्मत देता है, ताकत देता है कि हाँ मैं जो कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ शायद वो आपके लिए यूजफुल है। तब आप अपना समय कमेंट उसमें दे रहे हैं तो आप उसमें बताइएगा और अपने और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और एनर्जी के साथ, और ऊर्जा के साथ, और विगर जोश के साथ, उत्साह के साथ नए नए वीडियोज आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।